ड्रेस टू फॉर So this can be assumed made up of two dipoles but in opposite direction. इसके सेंटर से यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग गेस कर रहे हो कि सर ये होगा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर टू द पावर फोर. प्रूफ कर लेना. क्या करना है, यहां से ये डी बाई टू है, इस डायपोल के कारण यहां पे तो फील्ड आता है निकालने. यहां से यहां पे इसके लिए यहां से यहां पे डायरेक्शंस क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा. लेकिन अगर कोई कह दे कि बच्चों बता कि एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है तो इससे कैसा होगा प्रोपोर्शनल. क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? Can anyone guess? कुछ तो बोलो यार. वन बाई आर स्क्वायर आर क्यूब आर फोर आर फाइव क्या होगा? आर क्यूब. किसी ने बताया? बहुत सही जवाब बताया. ये कृतिका शिंदे इस मैच में कहां से आ गए? कृतिका शिंदे सर, वेदांत शिंदे. अच्छा अच्छा वेदांत सर. सर हम उन दोनों को एक सिंगल डायपोल कंसीडर कर सकते हैं. क्या बात है, नैन तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत बढ़िया. ये जबकि दो डायपोल नहीं है बच्चों, ये माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो जीरो हो जाएगा. तो इफेक्टिवली क्या है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू है ना. तो ये कैसा बिहेव करेगा बच्चों, ये दो डायपोल जैसा बिहेव, सॉरी ये टू पी का एक डायपोल बिहेव करेगा, लेकिन टू पी का क्यों, क्यू इंटू डी था पहले, अब क्यू इंटू टू डी है. तो ये क्वाड्रोपोल है, क्वाड्रोपोल ये, ठीक है. चलो बच्चों तो ये हो गया फिनिश, लिख लेना आपने मन से. तो बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्या बचा हुआ है, सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी, चलो उससे पहले ना गॉस लॉ पढ़ा लेते हैं, फिर वी विल कम टू द सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी जनरली मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं. गॉस लॉ. लेकिन पहले बच्चों इसके पहले वी नीड सम मोर कॉन्सेप्ट टू नो. अनिकेत ने पूछा डायपोल पूरा खत्म हो गया, कितना दिन तो पढ़ाया, डायपोल में कितना पढ़ोगे, सब कुछ तो बता दिया, इससे ज्यादा है क्या बुकलेट में लिखा हुआ? चलो अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं पूरा, बहुत कम बच्चे हैं, सिर्फ 54 स्टूडेंट. अनिकेत कुछ बचा रह गया क्या डायपोल में, कुछ देखो. नहीं सर, डायपोल बहुत डिस्कस किया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और बच्चों अब से जो होगा चीजें वो थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा होगा, उसके बाद कंडक्टर पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है एक्चुअली, जो भी फोर्स
एक्सेलरेटेड डिस्टेंस है, जिसमें हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया बच्चों, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ऐसा होता कुछ नहीं है, बट इससे समझने में आसानी होती है। ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये है क्या, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चार्ज है क्यू, और इसके कारण हमने निकाला कि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है। एक्सप्रेशन आया, क्या आया बच्चों, के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन वो एक्सप्रेशन में बहुत अच्छा नहीं दिखता, किसी कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है मैथमेटिकली, उससे ज्यादा बेहतर कब तुम उसको रियलाइज करते हो, जब ग्राफ दिया जाता है ना, और हम लोगों ने बहुत जगह पे ग्राफ ड्रॉ भी किया। तो मैं ये चाहता हूं बच्चों कि इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको ना वेक्टर ड्रॉ करके दिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, इधर है। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो डायरेक्शन को। मैं कहूंगा यहां पे दिखाना भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां भी एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, इससे बड़ा या इससे छोटा या इक्वल? छोटा छोटा छोटा। ऐसे ही मान लो मुझे यहां दिखाना है, ऐसे दिखाऊंगा, यहां दिखाना है ऐसे दिखाऊंगा। देखिए बच्चों, मैं तो अभी दो चार पॉइंट पे दिखा रहा हूं, मुझे तो हर पॉइंट पे चाहिए, मुझे तो यहां भी चाहिए। अगर यहां दिखाना है तो क्या करेंगे, इससे तो बड़ा ही दिखाएंगे यार, ये तो ओवरलैप कर गया। यहां दिखाना है, यहां दिखाना है। अगर ये हर पॉइंट पे मैं ड्रॉ करूं बच्चों, तो ये लाइन अलग अलग दिखेगा क्या? नहीं सर, इतना नहीं दिखेगा। मतलब ये डायरेक्शंस तो दिख रहा है बच्चों, लेकिन जब हम हर पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे सिर्फ लाइन बन गया। दैट मींस हमारा जो अटेम्प्ट था टू शो द वेक्टर डायग्राम, कि मैग्नीट्यूड भी दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट पॉइंट, एंड डायरेक्शन भी दिखाना है, इट सीम्स लाइक दैट कि मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन हमने लॉस कर दिया, कि किस पॉइंट पे कितना फील्ड है वो इंफॉर्मेशन लगता है नहीं है, क्योंकि सारे मिक्स हो गए, लेकिन डायरेक्शन का तो इंफॉर्मेशन है। इज इट क्लियर? यस सर। क्या रियली हमें मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन रियली लॉस किए हैं क्या? लेट्स सी बच्चों, मैंने जब ऐसे ड्रॉ किया ना, तो ये एक वेक्टर के जगह पे एक लाइन बन गया है सारे, तो इसको इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, हमें ये पता था बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इधर कम है। क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम है? आर यू गेटिंग समथिंग फॉर दिस ड्रॉइंग? अगर हमने ये ड्रॉइंग किया बच्चों, तो तुम कह सकते हो यस सर, यहाँ पे जो है ना यूनिट एरिया से जितना फील्ड लाइंस पास करेगा, यहाँ पे यूनिट एरिया से उससे कम फील्ड लाइंस पास करेगा, है कि नहीं? सो वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट दिस पॉइंट इज मोर कंपेयर टू दिस पॉइंट। और ये कितना ज्यादा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ज्यादा है, वो उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा कम है जिस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। एक्चुअली यही है, मतलब वास्तविकता में हमने ये लॉस नहीं किया इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड का बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो बताता है कि
कुछ बोल नहीं रहा हूँ बच्चों। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बच्चों क्यों ऐसा देखता है वो बताता हूं, व्हाई इट शो लाइक दिस। देखो मैंने अभी पॉइंट चार्ज ड्रॉ किया, इससे सपोज 100 फील्ड लाइन्स हमने निकाले हैं, और आइडिया ये है कि अगर हमने ऐसे 100 फील्ड लाइन्स निकाले बच्चों, तो ये एक्सटेंड करते जाएगा, बीच में गायब नहीं होगा। तो इफ वी कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस, बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है, ये हर जगह नहीं पढ़ा जाता। इफ वी कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट दिस, इससे अगर इससे 100 लाइन्स निकला है बच्चों, 100 लाइन्स क्रॉस कर रहा है इस स्फेरिकल सरफेस को, तो इसको भी कितना करेगा? 100 करेगा। और यहां से बड़ा स्फीयर लिया तो इसको भी 100 ही करेगा। अगर मैं पूछूं कि इस स्फीयर से यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो कहोगे सर n अपॉन 4πr2। मैं कहूंगा इससे R1 से कितना पास कर रहा है, कहोगे n अपॉन 4π यूनिट एरिया से, और इसके यूनिट एरिया से कितना पास कर रहा है, सपोज दिस इज R2। सो क्या गेस कर रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज से दूरी पे? 1/r2। और कूलम्स लॉ से तुम जानते हो यही था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही डिपेंड कर रहा था ना, 1/r2। मतलब ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी विल गिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी जो है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? एक सवाल पूछता है बच्चों, कभी शायद IIT में ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण 1/r2 से नहीं 1/r3 से वैरी करता, 1/r3 से वैरी करता। अरे यार अभी तो मैंने गॉस लॉ पढ़ाया नहीं, सॉरी, चलो मैं आगे बताऊंगा। चलो ऐसे बोल देते हैं कि 1/r3 से वैली करता, तो क्या ये फील्ड लाइंस कंसेप्ट से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी जो ऐसे ड्रॉ करते, क्या वो डेंसिटी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर पाता? नो सर, नहीं कर पाता, लेकिन अभी कर रहा है। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है, हमने क्यों फील्ड लाइंस कैसे आ गया वो हमने डिस्कस किया, बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ किए तो वो एक लाइन बन गया, ये लगा था कि फील्ड लाइंस जो बन गया है उससे मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन चला गया, बट पता चला नहीं यार नहीं गया है, इंटैक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बच्चों डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन द फील्ड या मान लो कि फील्ड लाइंस बच्चों ऐसा है, सपोज ऐसा ये एरो पुट किया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर किसी पॉइंट पे कहा जाए तो कैसा होगा बच्चों, टेंजेंशियल टू द फील्ड लाइंस, है ना। तो इसके कल की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
टेंजेंशियल टू फिल लाइंस। और टेंजेंशियल बच्चों दो डायरेक्शन होगा, तो कौन सा डायरेक्शन होगा? यू नो यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, एरो का डायरेक्शन होगा। दूसरा क्या डिस्कस किया बच्चों? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डेंसिटी का मतलब क्या है? अंशतंबत कैन यू टेल मी ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मतलब क्या हुआ? सर मतलब यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है ये रियल कंसेप्ट है या इमेजिनरी? फील्ड लाइंस निकलता नहीं है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जस्ट टू अंडरस्टैंड इन अ ग्राफिकल वे हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, बट बहुत चीज ये बताता है। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे ये दो पॉइंट डिस्कस कर लिया बेसिक। किसी भी रीजन में अगर हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वी ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर नेट फील्ड। तो लिख लो, वी ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तीन चार्ज के कारण है, तो हम हर किसी का नहीं ड्रॉ करेंगे, जो रिजल्टेंट है उसका ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट कैसा होगा? एम आई राइट? अब मान लो अगर कहीं पे कहा जाए कि हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऐसा है। अब बच्चों अगर तूने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। अब नेट फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होगा, और अगर तूने ऐसा ड्रॉ कर दिया दैट मींस ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, विच इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शन तो एक ही होगा, दो हो नहीं सकता। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट टू फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। लिख लो, two field lines will never intersect. Why? You know that. Ready. बच्चों अभी अभी हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। फील्ड लाइंस बच्चों ऐसा आया था, बच्चों तुमने जो ड्रॉ किया फील्ड लाइंस ये ऐसे लग रहा है कि लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। बट इफ यू ड्रॉ फॉर द नेगेटिव चार्ज व्हाट विल द फील्ड लाइंस? यहाँ पे कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना? यहाँ पे कैसा होगा? टूवर्ड्स। सो अगर ऐसे ड्रॉ करोगे बच्चों तो फील्ड लाइंस ऐसा हो जाएगा, एरो ऐसा दे दोगे। That means ऐसा लग रहा है बच्चों कि फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है।
एक पॉइंट ये भी लिख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेनेट्स इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। बच्चों अगर मैं किसी को कहूं कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करना, अब देखो मैंने इतना ड्रॉ किया, अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, लेजी बच्चा, वो इसमें कितने लाइंस ड्रॉ किए होंगे मैं बता रहा हूं। जो लेजी बच्चा होगा ना, सोया सोया, एक दो तीन हो गया उसको, थोड़ा सा सिंसियर होगा तो चार पांच छह कर दिया होगा, थोड़ा सिंसियर होगा तो और कर दिया होगा। तो अलग अलग बच्चा पक्के से अलग अलग ड्रॉ किया होगा। तो बच्चों ये हम नहीं करने जाने हैं कि कौन कितना ड्रॉ कर रहा है, मतलब तुम कितना फाइन ड्रॉइंग कर सकते हो वो कर लो। तो अगर किसी ने ये ड्रॉ किया है, ऐसा ड्रॉ किया और हमने थोड़ा ऐसा ड्रॉ किया, तो इट डजंट मीन कि हमारे में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कंपैरिजन करेंगे बच्चों, अगर जैसे हमें यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करना है, तो यहाँ से कितने फील्ड लाइंस पास करो और यहाँ से, तो इसका रेशियो लेंगे। सिमिलरली इसने अगर कम ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी इसका कम होगा, तो यहाँ और कम होगा, तो रेशियो विल बी सेम बट यहाँ से अलग जाएगा। लेकिन अगर सेम बच्चे से मैं कहूँ कि इस क्यू चार्ज में सात लाइन ड्रॉ किया है, तो मैं कहूंगा बच्चों बताओ कि टू क्यू होता है तो क्या करते हैं, तो कितने लाइंस ड्रॉ करना चाहिए उसको, इसका डबल, इस टाइप से। समझ में आ रही है? यस सर। तो बच्चों ये जो है कितने फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम कितना फाइन ड्रॉइंग कर रहे हो। हमें सिर्फ रेशियो देखना है, एग्जैक्ट नंबर क्या है दैट डजंट मैटर, ये जस्ट आइडिया दे रहा है बच्चों। ये जो फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, ये क्या बीच में हमने खत्म कर दिया क्या? मेरे पास जगह नहीं है तो आगे ने ड्रॉ किया, बट वो एक्सटेंड करेगा अप टू इंफिनिटी। तो लिख लो नेक्स्ट चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आइदर एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, इधर एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी और टर्मिनेट्स एट सम नेगेटिव चार्ज, इट विल नॉट वैनिश इन मिड एयर। मतलब ऐसा नहीं कि ड्रॉ किया और बीच में गायब हो गया, हम दिखाते नहीं बट वो एज्यूम करते हैं कि इट विल एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये जो फील्ड लाइंस निकला बच्चों, क्या लग रहा है इसको फील्ड लाइंस में? ये देखो अभी पास पास था, लेकिन आगे जाने के बाद इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो कैन यू से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंडेंसी है बच्चों कि वो एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे। जस्ट इमेजिन कर रहा हूं बच्चों, फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, वी आर जस्ट इमेजिन, लेकिन उस इमेजिनेशन से जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इट विल हेल्प कि फील्ड लाइंस में क्या टेंडेंसी है बच्चों, रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करें, दूर दूर रहे, है ना, अकेला रहना चाहता। यहाँ पे तो मजबूरी है ना कि यहाँ जगह ही नहीं है, ये चाहेगा कि दूर जाओ तो इधर भी है, इसलिए यहाँ पे पास पास है, मजबूरी है, आगे गया तो स्पेस मिल गया, दैट्स व्हाई दे विल स्प्रेड। तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर, जगह मिलेगा तो वो दूर जाना चाहेगा।
बच्चों फील्ड लाइंस में ड्रॉ करना प्लस क्यू और प्लस क्यू, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। बच्चों इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला इधर, इसने भी निकाला इधर इधर इधर, ये मेरे पास जगह नहीं है तुम इधर और बना सकते हो। लेकिन बच्चों इसने जो इधर निकालेगा फील्ड लाइंस और ये इधर, ये तो दोनों टकरा जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, रिपेल करेगा। तो इसने ऐसे किया, इधर सेंड किया, इसने भी सेंड किया, दोनों का यार दोनों आ रहे हैं टकरा जाएंगे, तो दोनों क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। और ये भी कहा यार हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा इधर बेंड हो जाएगा, ये इधर जो निकाला था कुछ इधर बेंड हो जाएगा बच्चों, ये इधर जा रहा था सपोज इधर, ये भी इधर, तो ये भी कहेगा नहीं यार इधर जाओ। आ रही समझ में कुछ बात? सर बेंड क्यों होगा? क्योंकि इधर अगर आ गया तो दोनों इंटरसेक्ट कर लेगा ना, दोनों में दोस्ती नहीं है, दोनों गले नहीं मिलना चाहता है, गले मिलेगा क्या, दोनों दूर दूर रहना चाहता है। आई बात समझ में? द रिपेल इच अदर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये निकालेगा तो फील्ड लाइंस इधर भी, अब जगह नहीं इधर, इधर भी निकाल रहा है, दोनों कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है हम भी इधर नहीं आएंगे तुम भी नहीं आओ इधर, यही कहेगा। तो बच्चों यहाँ पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो है ना। तो ये जैसे ही निकाला था फील्ड लाइंस, जैसे जैसे आगे जा रहा था, कह रहा है यार मैं भी आ रहा हूं, तो क्या होगा, ठीक है यार दोनों साइड ले लिए, ये भी साइड ले लिए, लेकिन ये है फील्ड लाइंस तो है, अब निकला तो रहेगा, बीच में तो गायब नहीं हो जाएगा, मिस्टर इंडिया तो है नहीं, तो क्या होगा बच्चों, तो क्या कहेगा यार चुपके से एक गली से ऐसे निकलेगा, ऐसे सब लोग इधर से आएंगे। अब बच्चों इधर से भी है, इधर देख रहे हो ऐसे लग रहा है कि ऐसे जा रहा है, तो इधर कहीं कहीं डेंसिटी बढ़ रहा है बच्चों, बहुत सारे फील्ड लाइंस इधर आ रहे हैं, पॉइंट सबको इधर से जानना तो है यहीं पे है, तो क्या हो गया इधर फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे इधर जा रहा है फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, लेकिन और आगे जाएगा तो उसके पास और स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, देन क्या होगा ये, दिस विल स्प्रेड, रिपेल, जगह इधर मिल जाएगा ना आगे, यहां से तो नजदीक आया सबको इधर से निकलना था, तो यहाँ पे सडनली क्या हो गया थोड़ा डेंसिटी बढ़ गया, लेकिन आगे बहुत जगह है, देन इट विल स्प्रेड। So, कुछ रिलेशन आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा चीज हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा और एक पॉइंट पे मैक्सिमम दैट पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस 2a है तो कितने पॉइंट पे मैक्सिमम होता था, a/√2। तो देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रॉइंग से किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन आइडिया बता रहा है कि सर्टनली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर इट विल बी मैक्सिमम, जस्ट इमेजिन करो, हैव यू इमेजिन, बोलो बच्चों इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा फील्ड लाइंस के कांसेप्ट से, यस देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम, यार मुझे तो विजुलाइज हो रहा, तुम लोगों क्यों नहीं हो रहा, बड़े नहीं हुआ, हुआ है सर, इतना अच्छा ड्राइंग किया यार, इतना मेहनत किया हूं। चलो बच्चों तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है ना, आई ट्राई टू विजुलाइज यू, यस एक पॉइंट होगा जहां पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। कोई कहेगा सर अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है तो बताओ कैसा होगा, अट्रैक्ट करेंगे, प्लस क्यू चार्ज फील्ड लाइंस निकालेगा
ये फील्ड लाइंस बाहर निकालेगा, खींचने का टेंडेंसी है इसका, खींचने का है सर, है ना, दोनों अपोजिट चल गया, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे को पसंद करता है, पहुंच गया, ये जैसे निकाला ये तो वेट करा, आ जाओ यार स्वागत के लिए, ये इधर निकाला, ये जाने वाला था इधर, ये कहेगा यार मैं भी हूं, मैं इधर हूं, आ जाओ इधर, तो क्या होगा, ये इधर जाने की जगह पे ये इसको पुल कर लेगा, ऐसे चला जाएगा, ये इधर जा रहा था, इसको देख के ये अपना रास्ता बदल लेगा, तुम लोग भी करते ही हो, ऐसे जा रहा है, ऐसे चला गया, आई बात समझ में, अब जो इधर जा रहा था बच्चों, ये थोड़ा दूर से बदलेगा रास्ता, ये थोड़ा और दूर से बदलेगा, इधर वाले को तो मौका ही नहीं मिलेगा, ये थोड़ा दूर से आएगा बच्चों, ये और दूर से आएगा, ये ऐसा आएगा, क्या ये डायग्राम समझ में आया, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का फील्ड लाइंस, बच्चों अगर मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, क्या ये दिख रहा है, ये बाइसेक्टर पे देखो तो यहाँ पे टेंजेंट कैसा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहाँ पे फील्ड लाइंस, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्या ऐसा ही था क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू का, बच्चों आइडिया क्लियर हो रहा है, यस सर, चलो डायग्राम ड्रॉ करो, तो बच्चों फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नाउ वी विल ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर सम अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, फील्ड लाइंस में टेंडेंसी होगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होलोस्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म, बच्चों कहेगा किसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो ये चार्ज देखेगा यार मैं किधर किधर फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, कहेगा मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं, इधर ड्रॉ कर सकता हूं, इधर ड्रॉ कर सकता हूं, इधर कर सकता हूं, इधर कर सकता हूं, लेकिन क्या बाकी चार्ज इसको करने देगा ऐसा,
ये ऐसे फील्ड लाइंस इधर निकालना चाहेगा, ये कहेगा यार मैं भी हूँ, इधर जब निकालेगा कहेगा हम लोग भी तो है यार, इधर मत निकालो। सो व्हाट विल हैपन बच्चों, ये सिमेट्री के कारण चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस विल नॉट बी अलाउड टू इमानेट फील्ड्स इन दिस डायरेक्शन। इसके पास ऑप्शन बच्चों ऐसा ही रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये इधर निकालेगा तो कहेगा हम भी तो निकालेंगे इधर, ये भी कहेगा, तो फिर फील्ड लाइंस जाएगा कहां? अगर इधर निकला है तो फिर कहां जाएगा? सब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट होगा नहीं। क्लियर हुआ? चूंकि ये सिमेट्री है सो ये हर डायरेक्शन से इक्विवेलेंट है, तो सिर्फ किसी एक को अलाउड नहीं होगा इधर निकालने का, तो इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। नेक्स्ट बच्चों देखो, एक लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा डेंसिटी, पैरेलल। अब ये कहेगा बच्चों कि ये फील्ड लाइंस कहेगा यार मैं तो इधर भी निकालूंगा, ये इनफाइनाइट है, इधर भी है पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव है, इसको मन तो करेगा कि यार इधर भी निकाल दें, लेकिन ये सब अलाउ करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा, कहेगा यार हम लोग भी इधर बहुत सारे हैं, तुम अपने अपने रास्ते में रहो, इधर भी नहीं जाने देगा। सो व्हाट विल हैपन बच्चों, ये ऐसे ही निकालेगा, इनफाइनाइट है, सो ये बेंड नहीं हो सकता, क्योंकि इधर जैसा इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा इधर है, कहेगा जैसा इधर है बच्चा उधर है, तुम सीधे सीधे ही रहो। बच्चों ये डायग्राम तो हमने प्लेनर बनाया, बट ये प्लेनर है क्या? ये 3D में है, चाहे ये हो ये 3D में है। तो अगर मैं बात करूं कि फील्ड लाइंस कैसा ड्रॉ होगा, जैसे ये लाइन चार्ज है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे, आ रही बात समझ में? Yes. तो इस प्लेन में इधर इधर है, तो अगर फील्ड लाइंस आगे बढ़ रहा बच्चों ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यहाँ पे तो लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बट ये एक प्लेन में है, सिर्फ बोर्ड के प्लेन में, बट ये 3D, इसमें इस टाइप का सिमेट्री है बच्चों, इस टाइप का सिमेट्री है, तो एक्चुअली फील्ड लाइंस ऐसा है बच्चों, am I right? देखो इसमें इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इससे बढ़ रहा है, अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा? घट रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे घटेगा। अगर बच्चों मैं कहूं कि यहां से सपोज 1000 या एन लाइंस निकला है सिलेंडर, मतलब ऐसे ये निकाला लाइन चार्ट, एन लाइंस अगर निकाला बच्चों, तो इस पे अगर मैं कहूं कि यूनिट एरिया से कितने लाइन पास कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? एन अपॉन ये सपोज एल लेंथ ले रहे हैं, व्हाट इज द सरफेस एरिया जिससे कट कर रहा फील्ड लाइंस? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस, तो यही ना फील्ड लाइंस का डेंसिटी। यस, फील्ड लाइंस का डेंसिटी बच्चों यही है, और कैन यू गेस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वन बाय आर का, वन बाय आर, और यही हम जानते हैं, हमने कूलम्स लॉ से भी निकाला था, फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r 2k लैम्डा बाय r, ये फील्ड लाइंस का कांसेप्ट भी बता रहा हूं। बच्चों यहां पे अगर बात करें, यहां भी बताओ कि ऐसा अगर लेते हैं कि स्फेरिकल सरफेस, चूंकि यहां पे स्फेरिकल सिमेट्री है, यहां पे कौन सा सिमेट्री है? स्फेरिकल की प्लेनर की सिलिंड्रिकल, रेडियल
सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, सिलेंडर जैसा। रेडियल तो ये भी है, ये 3D में रेडियल, ये 2D में रेडियल। यहां पे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि 1/r² से फील्ड लाइंस का डेंसिटी चेंज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में 1/r² होता है। लाइन चार्ज में किसका प्रोपोर्शन होता है फील्ड? 1/r का। अब बच्चों मैं बात करता हूं, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, इमेजिन करना बच्चों यहां वाला फील्ड लाइंस, क्योंकि इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं ऐसे ही दिखाता हूं, समझाता हूं। यहां पे ये बोर्ड के प्लेन में अगर चार्ज है तो ये चाहेगा कि फील्ड लाइंस मैं इधर भी निकालूं, मैं इधर भी निकालूं, इधर भी निकालूं, इधर भी निकालूं। क्या ये कर पाएगा? नहीं सर, नहीं। ये इधर निकाला है, सब लोग कहेगा ठीक है अपने रास्ते जाओ, लेकिन ये इधर निकालना चाहेगा तो कहेगा यार हम लोग भी बहुत है, इधर वाला कहेगा हम लोग भी है। बच्चों यहाँ पे ये सारे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे? सिर्फ सीधे सीधे जब बोर्ड के पीछे से भी निकलेंगे ना, बोर्ड के पीछे से भी निकलेगा उधर और इधर भी। अगर इधर बात करें बच्चों दो फील्ड लाइंस का, ना तो ये इधर बेंड हो सकता है, ना तो इधर, ना तो इधर, ना तो इधर, चारों तरफ सिमेट्री है। तो बच्चों ये सीधा घोड़े की तरह चलते रहेगा, ये भी वैसा ही। इस दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसको बेंड करने का मौका नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। So, क्या बताओगे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फील्ड लाइंस का डेंसिटी कांस्टेंट। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 निकाला था, समझ में आया? फील्ड लाइंस सीधे सीधे होंगे, इज इट क्लियर? बच्चों इस टाइप में हम लोग कहेंगे कि प्लेनर सिमेट्री है। अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, बट विजुलाइज तुम लोग कर लियोगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे रहेगा फील्ड लाइंस। डेंसिटी इस टाइप से रहेगा, है ना? फिलहाल का डेंसिटी चेंज नहीं होगा सर। सर लास्ट केस में जो चार्ज है ना एच पे रहेंगे। हाँ मैंने इनफाइनाइट बोला, मैंने इनफाइनाइट बोला बच्चों, है ना? बट अगर मुझे ये ड्रॉ करना है, सपोज मैंने इनफाइनाइट के लिए ड्रॉ किया, फाइनाइट रॉड का ड्रॉ करता हूँ, सो फाइनाइट का इतना बड़ा लेंथ है, ये मिडिल में, सपोज दिस इज द मिडिल, तो ये इधर किया, उसका कहेगा मैं इधर जाऊं, तो मिडिल वाला जिधर जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, तो ना तो ये इधर कर सकता है ना तो इधर कर सकता है। लेकिन यहां वाला की बात अगर करें तो ये ऐसे निकालेगा, लेकिन ये भी कहेगा यार मैं भी हूं, तो ये थोड़ा सा इसको पुश करेगा इधर, चूंकि कहेगा खाली यार थोड़ा सा साइड दो इधर जाओ थोड़ा, कहेगा कि नहीं? ये सब का टेंडेंसी है पुश करने का। सो ये वाला सिर्फ इधर ही निकालेगा, इसका जो है वो इधर चला जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ये थोड़ा थोड़ा बेंड होगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा, इस टाइप का होगा। क्लियर है सर। सो एंड पॉइंट पे क्या होगा? एंड पॉइंट पर डेविएशन होगा, इसको इधर स्पेस है, ये थोड़ा पुश करेगा, जाओ यार ये भी चला जाएगा, हाँ यार खाली है तो चले जाएंगे, है ना? अब देखो हमने जो बात किया है कि इनफाइनाइट,
तो जैसे देखो ये जैसे ही निकला निकला तो ऐसे बट थोड़ा सा इधर बेंड होगा, बट अगर नजदीक का पॉइंट कर नजदीक के पॉइंट तो इसमें ये सीधा निकल रहा है सीधे ही, जैसे जैसे आगे जाएगा फिर डेविएशन होगा। तो सपोज ये इतना बड़ा लाइन चार्ज है तो इसके लिए ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट जैसा है, इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट जैसा नहीं है। क्लियर ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज। तो बच्चे बड़ा कम हो गए एकदम से, 65 बच्चे हैं सिर्फ, 70 तो मेडिकल में आ जाते हैं। गौर ने पूछा कि हाफ रिंग पे आधा पॉजिटिव पे आधा नेगेटिव है तो फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, तो डिस्कस किया था ना उसको डायपोल जैसा ट्रीट करो। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ से पहले हम लोग ये बेस तैयार कर रहे हैं टू स्टडी गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहां पे छोटा सा एरिया वेक्टर ds ले लिए, E dot ds वेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया। सपोज ये एरिया वेक्टर है बच्चों ds वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसा होगा एरिया के परपेंडिकुलर, और यहां पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों ds cos थीटा, ds cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर या स्केलर पता है तुझे? क्या फ्लक्स थ्रू एरिया जीरो हो सकता है? यस। मान लो ये हमने एरिया लिया और फील्ड लाइंस कैसा है पैरेलल है और ये एरिया वेक्टर है, यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। वाई? दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? 90 डिग्री। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा इसमें फ्लक्स जीरो और इसमें कुछ फ्लक्स है, कह सकते हो बच्चों कि इसमें जो फील्ड लाइंस, अगर हमने अभी फील्ड लाइंस दिखाई है, फील्ड लाइंस ना उस एरिया को इंटरसेक्ट कर रहा, पियर्स कर रहा, छेद करते हुए निकल रहा, और यहाँ पे कोई छेद नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो कैन यू से दैट कि इमेजिनेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है कि कितना फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर रहा है? इज इट क्लियर? जैसे बच्चों का समझो कि सपोज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एक एरिया हमने ऐसा लिया एरिया, एरिया वेक्टर अभी ऐसा है, इमेजिन करना अभी सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहा है, सपोज ये एरिया ए है और अगर यूनिफॉर्म है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इन दिस पर्टिकुलर केस सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहा है बच्चों, फ्लक्स सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसको बेंड करते जाओ क्या हो रहा होगा, फील्ड लाइंस
कम पास कर रहा होगा इससे, कम फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और जब ऐसे कर दिया बच्चों तो कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। क्या ये इमेजिनेशन हुआ? अभी सबसे ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रहा है, जैसे इसे बेंड किया, क्योंकि अभी ये फील्ड लाइन जस्ट पास कर रहा, लेकिन ऐसे बेंड कर दिया तो ये जस्ट ऊपर से निकल जाएगा। ये भी पास कर रहा और बेंड कर दिया तो ये भी निकल जाएगा ऊपर से। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज समथिंग, फॉर्मूला तो ये आया, ये जस्ट एक मेजरमेंट है, कह सकते हैं कि फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट कोई नंबर होगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई डॉट डीएस। लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। बच्चों d5 इक्वल टू क्या हो गया? e डॉट ds। अगर फ्लक्स टोटल निकालना है बच्चों तो e डॉट ds का इंटीग्रेशन कर लो। एक सवाल लेते हैं, इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एरिया वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप फाइंड फ्लक्स। अच्छा ये यूनिफॉर्म है, ए जो भी है और ऐसा ई है, तो सिंपल सा यहाँ पे स्पेक्ट्रल केस में क्या आ जाएगा? ई डॉट डी एस करेंगे तो ई वेक्टर कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो ई डॉट डेल्टा एस हो जाएगा। अगर ये जैसे ये प्लेट है, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन होगा, तो सिंपली ई डॉट एस वेक्टर या एरिया वेक्टर कर लेंगे। यहां पर बच्चों ई डॉट एरिया वेक्टर कर लेंगे, फ्लक्स इजली निकल जाएगा। अच्छा क्यूब बना लिया, इन दिस रीजन सपोज ई इज इक्वल टू ई नॉट वन प्लस एक्स अपॉन ए I can. या थोड़ा आसान ले लूं क्या? तो इसको ये करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सिंपल सा पहले कर लेता हूं। इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप,
अंदर, उसके बाद दूसरा बोलेंगे। बच्चों मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द बहुत सारे सरफेसेज हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस सी एफ जी बी सी बी जी एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये and this is x axis, this is y axis, this is z axis. बच्चों कोई भी एरिया जब होता है ना, आप ध्यान से सुने एरिया वेक्टर के बारे में। इफ देयर इज सम एरिया, तो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेकिन दो डायरेक्शन, इधर और इधर, दो डायरेक्शन। तो कौन सा ले, यू आर फ्री टू चूज एनी एरिया एनी डायरेक्शन। अगर ये सिंपल सा सिर्फ ये एरिया, बट इफ दिस इज पार्ट ऑफ सम क्लोज सरफेस जो तुम कंसिडर कर रहे हो, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो कन्वेंशन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल तभी डिफाइन होगा बच्चों जब कोई क्लोज सरफेस का पार्ट होगा, तभी तो आउटवर्ड का है। जिसे अगर मैं कहूं कि इफ यू आर कंसीडरिंग दिस रूम, मैं जिस क्लास में ले रहा हूं इस रूम में, सो ये वाला जो एरिया वेक्टर, ये वॉल का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा या उधर होगा, उस तरफ होगा, है ना। तो वैसे ही इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये, अगर इसकी बात करें ये सरफेस का, तो आउटवर्ड नॉर्मल ये है। इज इट क्लियर। या अगर सिर्फ कभी ना ऐसे सरफेस दिया हुआ है, ऐसा सरफेस दिया हुआ है और नाम दे दिया है ए, अगर ये कोई पार्ट नहीं है और ऐसे कोई कहा ए बी सी डी सरफेस, तो ऐसे कर्ल कर लो ऐसे और ये डायरेक्शन ले लेंगे एरिया वेक्टर, ए डी सी बी का ऐसे ले लेंगे। बट अगर कोई क्लोज सरफेस का पार्ट है तो आउटवर्ड नॉर्मल। E नॉट आई कैप, बच्चों ये क्या होगा, E नॉट आई कैप डॉट डॉट, इसका एरिया वेक्टर, सपोज साइड लेंथ बच्चों इसका A है, क्यूब ऑफ साइड लेंथ A, A स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, आई कैप। तो व्हाट विल बी द फ्लक्स बच्चों, can you tell me what is the flux through CFGH? Sorry, EAN. Zero. क्या बच्चों को realize हो रहा है कि electric field बच्चों इधर है और area vector इधर है? How many faces there will be जिसके through flux zero है? कितने फेसेस है जिसके थ्रू फ्लक्स जीरो है? फोर। और दो के थ्रू में एक है जिसके थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव आया, और अगर मैं ये वाला सरफेस लूंगा तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा बच्चों, आएगा आएगा सर। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखना फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं ई नॉट आई कैप, ऐसा फील्ड लाइंस होगा। इस फील्ड लाइंस में देखो इस सरफेस को ना ये इंटरसेक्ट करके अंदर आ रहा है, क्लोज सरफेस का इन कर रहा है, और इसके थ्रू फ्लक्स जो आया होगा निगेटिव आया, और इससे फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स आया पॉजिटिव। तो ये मन में बैठा लो अब कि अगर कोई सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है तो दैट कंस्टिट्यूट पॉजिटिव फ्लक्स, और उसको कट करके अंदर आ रहा है क्लोज सरफेस में तो दैट कंस्टिट्यूट नेगेटिव फ्लक्स। तो
बच्चों अगर क्लासेज मिस करोगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा। ट्वेल्थ में अगर सिंसियरिटी नहीं है, हमारे पास करीब कितना 75 बच्चे होंगे, 75 बच्चों में कितने अटेंड कर रहे हैं, 62, सो इट नॉट गुड साइन। आज मैं थोड़ा बात करता हूँ कौन कौन अटेंड नहीं कर रहा। सिमरन चौधरी, समझ में आई चीजें? सिमरन दर्शना को क्यूब वाला एग्जाम्पल थोड़ा ही समझा। दर्शना मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, बहुत ही सिंपल सा है। नाम कुछ दिया था बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा अगर मैं ये एरिया बताऊं ई एफ जी एच का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का ए स्क्वायर। एरिया वेक्टर कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और डायरेक्शन हो जाता है आउटवर्ड नॉर्मल, ए स्क्वायर जे कैप हो जाएगा ये एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर नॉर्मल आई कैप। अगर मैं बात करूं ई एफ सी डी का, ये वाले का, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये बच्चों x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और ये z एक्सिस था। कोई बता सकता है ई एफ सी डी आउटवर्ड नॉर्मल ये किधर हो जाएगा, ए स्क्वायर लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाला तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा माइनस। अच्छा इस एरिया वेक्टर से अगर फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स जो है वो है ई नॉट आई कैप सॉरी फिल और डॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप, ये हो गया ई नॉट ए स्क्वायर और आई कैप माइनस वन। दिस इज द फ्लक्स थ्रू दर्शना। अभी भी नहीं क्लियर? दर्शना यस सर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी हो गया सर। चलो बच्चों अब अगर हम लोगों ने पिछला सवाल जो दिया था इज इक्वल टू E नॉट वन प्लस एक्स अपॉन ए आई कैप, साइड लेंथ ए था बच्चों, तुम्हें बताना फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कैन यू फाइंड और पिछले सवाल में अगर फ्लक्स थ्रू द क्यूब देखोगे तो वो जीरो आएगा, जीरो, क्योंकि एक से जितना निगेटिव था दूसरे से उतना पॉजिटिव था। यहां पे कोई गेस कर पा रहे हो बच्चों कि क्या होगा यहां पे? एक्स वाई जेड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई नॉट एक्स जीरो है, ई नॉट आई कैप है और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
टू इज नॉट आई कैप, एम आई राइट? तो इसके थ्रू पॉजिटिव, इसके थ्रू निगेटिव, बट दोनों इक्वल नहीं होगा। इसके थ्रू तो जीरो रहेगा, इसके थ्रू जीरो रहेगा। बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है कि नहीं? बिकॉज इट्स कॉन्डिट आर डिफरेंट। बट अच्छी बात क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो मतलब ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है। इसके थ्रू जीरो। नैन पटेल, इज इट क्लियर? यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं गॉस लॉ। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत हेल्प करेगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये लॉ है, हालांकि कहीं कहीं तुम देखोगे इंडियन ऑथर के बुक में गॉस थ्योरम भी दिया रहता है। एक्चुअली कूलम्स लॉ भी कहे और गॉस लॉ भी कहे, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर हम कूलम्स को लॉ मान करके गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं, तो इस तब कभी तब हम लोग कह सकते हैं गॉस थ्योरम, या गॉस लॉ को बेसिक मान करके हम कूलम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, तो उस केस में कह सकते हैं कूलम्स थ्योरम। बट चूंकि दोनों इंडिपेंडेंटली दिया गया, दोनों इंडिपेंडेंट बेसिक है, इसलिए हम जनरली प्रीफर करते हैं दोनों लॉ है। ठीक है, आते बच्चों ये है क्या, एकदम ध्यान से समझना, ऐसी चीज आगे भी आएगी। एम्पियर्स लॉ करके हम लोग पढ़ेंगे तो सिमिलर कंसेप्ट होगा, ट्वेल्थ में चीजें सब मिक्स मिलते एक जैसा होगा, इसलिए ये उतना टफ नहीं होता जितना मैकेनिक्स होता है। गॉस लॉ, अगर सपोज किसी रीजन में बहुत सारे चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, -Q3 सपोज, Q4, Q5 ऐसा कुछ चार्जेस, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, और ये क्या है, इफ वी कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, ये कैसा है, क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों उस क्लोज सरफेस से, वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करेगा, आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मींस अलजेब्रिक समेशन ऑफ इनसाइड चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस का शेप कैसा है, साइज कैसा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बाहर कितना है, अंदर कितना है, ये सिंपल सा किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, टोटल इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में जो चार्जेज हैं वो कैसे प्लेस्ड हैं कोई मतलब। दैट मीन्स अगर मैथमेटिकली लिखे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, E डॉट डी एस, यहां का E डॉट डी एस, यहां का E डॉट डी एस, पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो ये सर्कल पुट कर देता है,
ये सर्कल क्या बताता है? इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस। इसको बच्चों सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल सरफेस पे। दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अगर मैं बात करूं यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो ई किसके कारण है? सिर्फ इनसाइड चार्जेस कारण या सारे चार्जेस कारण? सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। और ये क्या है बच्चों? ये है अलजेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड इनसाइड द सरफेस। लिख लो बच्चों, मैं लिखने का टाइम नहीं देता हूं क्या? तो साथ साथ लिखते रहना जब मौका मिले तो, बैठ करके सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होता है। तुम लोग टेंथ में ना सब टीचर ना बहुत खराब कर दिए हैं, हैबिट ही गलत पढ़ा दें। टीचर को होता है क्या, पढ़ाना कम होता है, इतना सा पढ़ाना है, लिख दिया बच्चों लिखो, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं, हो रहा है क्लास चल रहा है। गॉस लॉ का अगर अकॉर्डिंगली बच्चों बताऊं, अगर इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस टू दिस सरफेस, तो इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज है? क्यू वन क्यू फोर क्यू टू, क्यू वन प्लस क्यू फोर प्लस क्यू टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एक दूसरा सरफेस लेता हूं बच्चों, ऐसा लेता हूं, इसके थ्रू अगर फ्लक्स पूछा जाए ई डॉट डी एस क्या होगा इस गॉसियन सरफेस से? ये वाला सरफेस, तो कहोगे क्यू वन माइनस क्यू फाइव सो फाइनली समेशन में बोल रहा हूं बच्चों कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी है, जो क्लोज सरफेस ले रहा है वो किसी भी शेप का हो, गॉस लॉ विल रिमेन वैलिड और इसको बच्चों बहुत इजीली रियलाइज कर सकते हो। हमने जो बात कही गॉस लॉ, तो ये बताया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस डिपेंड करेगा, आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं विजुलाइज कराता हूं कि देखो कि क्यों ऐसा है। यू कैन इजीली रियलाइज दिस बच्चों, एक सपोज गॉसियन सरफेस ये है और एक चार्ज क्यू है। अब बताना इसने जो फील्ड लाइंस निकाला, सिर्फ अभी एक चार्ज कर रहा है, इसने जो फील्ड लाइंस निकाला देखो, ये फील्ड लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सरफेस से या ये इन कर रहा है, तो एक फील्ड लाइंस इन किया तो इसके कारण निगेटिव हुआ फ्लक्स और वो फील्ड लाइंस बाहर भी जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया। ये भी इन किया तो ये बाहर भी जा रहा है, ये ना इन किया ना बाहर जा रहा है। क्या ऐसा कोई फील्ड लाइंस है जो सिर्फ इन किया आउट नहीं जा रहा? क्योंकि ये सरफेस क्लोज्ड है तो जो इन करेगा वो बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए बच्चों इससे टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं ये चार्ज क्यू है,
अब इससे जो भी फील्ड लाइंस निकला बच्चों सबके सब इस गॉसियन सरफेस को बाहर निकल गया, सबके सब जितने भी फील्ड लाइंस हैं। अब तुम्हारे बुकलेट में सवाल होंगे गॉस लॉ पे बेस्ट एप्लीकेशन होगा। बुकलेट में सवाल होगा बच्चों की एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जीरो। जीरो होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है, माइनस क्यू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसे देखे थे, ये फील्ड लाइंस बच्चों यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से इन भी कर रहा होगा, इसलिए फ्लक्स जीरो। तो ये तुम्हारे बुकलेट में सवाल है, एक डायपोल रखा हुआ है एक स्फीयर के अंदर, क्या फ्लक्स है? बच्चे पूछते हैं डाउट, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो। नाउ कितना टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट है अभी। चलो 66 से घट करके 60 आ गया, क्या है किया जाएगा? हेम तनवर तू तो बीच से ज्वाइन किया था, सब ऊपर से निकलता है या कुछ अंदर जा रहा है? हेम यस सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, कूलम सॉरी गॉस लॉ पढ़ लिया, गॉस लॉ में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ यू कंसीडर एनी क्लोज्ड सरफेस तो टोटल फ्लक्स जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है इनसाइड चार्जेस पे। सो अगर मैं अगर बात करूं कि एक चार्ज क्यू है बच्चों, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये वन ये टू ये थ्री क्लोज सरफेस, क्या हम कह सकते हैं फ्लक्स टू द वन इज इक्वल टू फ्लक्स टू द टू दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन फ्लक्स टू द थ्री क्या हो जाएगा? जीरो। सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, बच्चों मिस नहीं करना ये क्लास, ऑलरेडी आज बहुत कम बच्चे हैं, सिर्फ 56 बच्चे भी बैठे हुए हैं, शुरुआत से थे 65 तो थे बच्चे। सो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करोगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।